टू देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज रूट 3:1, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। देखिए ये टावर हो गया, एक शैडो हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे निकालना है सन का, ये थीटा सपोज कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये शैडो और क्या कहते हैं, सॉरी टावर एंड शैडो का रेशियो दिया हुआ है, तो इसको आप √3x लिखेंगे और इसको x लिखेंगे। लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन एलिवेशन ऑफ द सन बी थीटा। टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाहो तो नाम लिख सकते हैं ए बी सी। इसमें एक और चीज दे दो, रेशियो में दिया है, तो ए बी इक्वल टू में एक्स एंड बी सी इक्वल टू में √3x। टेन थीटा इक्वल टू में बी सी बाई में ए बी, यानी आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू में बी सी है आपका √3x और बाई में एक्स, कैंसिल हो जाएगा। टेन में कितना का वैल्यू होता है, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ गया। एंगल कितना गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ ऑफ द सन क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन नंबर